दोस्तों फाइनली अपने पास आ चुका है S1 Air। आज इस स्कूटर को हम चला के देखने वाले हैं, देखेंगे भाई इसकी वर्थ है या नहीं है 1,10,000 रुपए की। वो इंट्रोडक्टरी है, बाद में 1,20,000 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे भाई इसके S1 Pro मॉडल से कि हमें यहाँ पे क्या कटौती देखने को मिली है, कंपनी ने कहाँ कहाँ पे प्राइसिंग को कम किया है, कैसे कम किया है, परफॉर्मेंस में कैसा है, स्पीड कितनी है, मोड्स कितने, सब इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डिजाइन से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन में क्या चेंज आया है। तो क्या चेंज आया, सबसे पहले तो व्हील चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, ये स्टील व्हील हो चुके हैं। पहले वाले एलॉय आते थे वो काफी देखने में सुंदर लगते थे, ये काफी आम नागरिक वाले लगते हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग का पहला पार्ट हो जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में और रियर में। उसके बाद आपको यहां पे मोटर भी चेंज देखने को मिलती है, भाई हब मोटर यूज होती है, अभी भगा के लाए, थोड़ी गर्म भी हो रही है। उसके बाद स्विंग आर्म भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, जो कि भाई दोनों तरफ है। पहले क्या होता था, साइड माउंटेड होता था, क्योंकि सस्पेंशन एक ही तरफ था, वहीं पर स्विंग आर्म था, इस तरफ से व्हील फ्री होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों तरफ इसके हत्थे जुड़ गए हैं, व्हील दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है। उसके बाद आती है ग्रैब रेल, जो कि अब बहुत मजबूत हो चुकी है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे हिलाने की, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले इतनी कोशिश करता ना तो हाथ में आ जाता भाई, उससे इतनी मस्ती नहीं कर सकते थे, अब इससे मस्ती कर सकते हैं, काफी मजबूत कर दिया है। और उसके बाद आती है भाई इसकी डुअल टोन बॉडी, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक एंड ग्रीन, नियॉन ग्रीन है ये दोनों कॉम्बिनेशन है। पहले ये वाला पार्ट भी इसी वाले कलर का हुआ करता था, लेकिन ओला ने अभी इसे चेंज करके ब्लैक कर दिया है। इससे फायदा ये है कि भाई स्क्रैच जो आते हैं वो नीचे की तरफ ज्यादा आते हैं, कभी जूता लग गया, कोई स्कूटर ठुक गया, तो ये ब्लैक वाला पार्ट झेल जाएगा, कलर इतना खराब ये वाला नहीं होगा। रोड पे चलता हुआ थोड़ा सा ना अलग ही कंट्रास्ट वाली फीलिंग दे रहा है। उसके बाद लाइट में भी थोड़ी सी चेंज की गई है यहाँ पे, जो उसकी शेप है ना पहले वाले के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। और उसके बाद सबसे मेन भाई यहाँ पे हम गायब हो चुका है, फ्लैट फुटबोर्ड हो चुका है। यहाँ पे आप अपना आटे कट्टा रख के ला सकते हो किराने की दुकान से, या कुछ और भी सामान रखना है तो इजिली आप रख सकते हो। अब ये सर है ना, इसके फिजिकल चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से ओला इसकी कॉस्ट को कम कर पाया, इसकी प्राइसिंग हो गई है 1,10,000 इंट्रोडक्टरी वाली, 1,20,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन जो मेन चेंज आया ना वो आया इनके प्लेटफॉर्म में। अब ये जो स्कूटर है ना S1 Air और इनका जो S1 Pro आएगा सेकंड जनरेशन वाला, दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि है ओला का जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म। अब इसमें अंदर क्या आएगा भाई, तो उन्होंने ना सब कुछ बदला है भाई, इस स्कूटर का फ्रेम से लेके इसके जो बैटरी पैक है, मोटर जो है, सब पे इन्होंने अलग से काम करा है। बैटरी पैक जो यहाँ पे लगा हुआ है वो पहले हुआ करता भाई यू शेप का, ज्यादा यू शेप हुआ करता था, लेकिन अब क्या वो हल्का सा कम हो गया, सीधा हो गया, जिसकी वजह से आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है इसके अंदर भी, और जो इनका फ्यूचर में आने वाला S1 Pro है उसके अंदर भी। अब बात करें ना बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे जो नॉर्मल ओला स्कूटर में देखने को मिलती है वैसी ही लग रही है। जो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी होगी वो इन्होंने डिज़ाइन वाइज चेंज कर दी है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पैनल गैप देखने को मिल जाते हैं। और ओला ने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि भाई ये जो स्कूटर है प्री प्रोडक्शन है भाई, तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। मे बी जो इनका अब नया वाला प्रोडक्शन मॉडल आएगा उसके अंदर ये चीज़ें ना हो, बट हाँ पैनल गैप इस वाले स्कूटर के अंदर है। उसके बाद स्मार्ट फंक्शंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है भाई। इसके अंदर भी आपको पार्टी मोड वगैरह, जो स्पीकर वगैरह, म्यूजिक वगैरह सब देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाएं आपको सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। जो डिफरेंस आता है वो आता है भाई इसके मोड का। यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, एक नॉर्मल स्पोर्ट्स, 2 ये हो गए, और इको लगाने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो इको लग गया। तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ये 3 मोड देखने को मिलते हैं S1 Pro में, आपको हाइपर और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बात करें मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन की, तो रिसेंटली कंपनी ने थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिए स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि रेंज अब बढ़ के हो चुकी है 151 किलोमीटर की IDC वाली, रियल लाइफ में से थोड़ी कम मिलती है। उसके बाद यहाँ पे 0-40 जाती है 3.3 सेकंड में, टॉप स्पीड यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आर की, मोटर पावर अब हो चुकी 2.7 किलोवाट नॉमिनल और पीक पावर 6 किलोवाट। बैटरीज की यहाँ पे लगी हुई है, जो कि है 3 किलो वॉट आर की। ओला बताता है कि भाई ये सेकंड जनरेशन बैटरी इनकी, डिजाइन वाइज इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। इसे चार्ज करने में लगते हैं लगभग 4.5 से 5 घंटे। और अब इसे थोड़ा चला चुलू के देख लेते हैं कि भाई परफॉर्मेंस वाइज कैसा है, लोगों के दिमाग में हो कि भाई हब मोटर कैसा परफॉर्म करती है, तो इसे चला के देखते हैं। तो 0-40 करते हैं पहले नॉर्मल मोड के अंदर, या फिर इको में करें, चलो इको में करते हैं। इस टाइम जो वेट है भाई, कैमरामैन पीछे बैठा हुआ है, 110, मैं 70, 180 किलो के साथ कर रहे हैं, बहुत हैवी टेस्ट है भाई ये। तो 1, 2, 3, तो आपको लैग भी हाथों हाथ दिख गया है इको मोड के अंदर। पूरी रेस देने के बाद हल्की देर में उठता है, और 40 पकड़ने में ये थोड़ा टाइम लगा ही देगा, बिकॉज ये इको मोड है। ये लो ब्रेकिंग टेस्ट। अब करते हैं नॉर्मल मोड के अंदर 0-40, 1, 2, 3, तो हल्का सा लैग आपको दिख गया होगा इसमें भी है। अब ये आप कह सकते हो डायरेक्टली हब मोटर की वजह से है। ये हो गया अपना 0-40। अब करते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर, स्पोर्ट्स मोड लगा दिया, 1, 2, 3,
हुई भाई इसकी परफॉर्मेंस, ये कितना तगड़ा है भाई। अब टॉप स्पीड दिखा देता हूँ 180 किलो के साथ। उसके मुकाबले थोड़े कम कंफर्टेबल लगे मुझे, वो ज्यादा ही नजर आते थे, सिंगल सस्पेंशन था। खैर ओला अब उसे S1 Pro में भी चेंज कर रहा है क्योंकि लोगों को ज्यादा ये पसंद आ रहे हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग इन्होंने चेंज करा है। उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज भी देखे ना तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कमी नहीं लगा। इसे आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो TVS के iQube से, S1 Pro से तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। S1 Pro की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है इसके मुकाबले। हब मोटर आपको बताइए कि भाई इसका जो रिस्पांस होता है मिड ड्राइव मोटर के मुकाबले थोड़ा सा डिले होता है, तो वो चीज भी आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी अपना भी ना राइड रिव्यू है, इसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। जब इसे मैं 10-15 दिन चला के अपना फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा उसमें आपको ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा कि इस स्कूटर को लेना है, इसमें कमी क्या है क्या नहीं है, वो सब उसमें देखेंगे भाई। अभी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में बताओ और मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।